नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम लेकर के उपस्थित हैं प्रैक्टिस सेट, बहुत दमदार होने वाला है मेरे दोस्त। और आज के जो प्रश्न लेवल हैं आप खुद देख लीजिए किस लेवल के हैं, ठीक है। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, आज पूरे कम्प्लीट जूलॉजी बॉटनी सबसे मैं लेकर के आया हूँ। और यह है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट क्या कहें, तो पिछले साल का यह एक पेपर है। कौन सा पेपर है आप भी देखिए और पहचानिए, देखिए कितने तगड़े क्वेश्चन हैं आज के, ठीक है। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त, वो पहला प्रश्न क्या कह रहा है उसको आप देखिए। तो यहां पर आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संघों में आर्थ्रोपोडा संघ के बाद सबसे बड़ा संघ कौन सा है। आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे बड़ा फाइलम कौन है ऐसा कह रहा है। कह रहा है इकाइनोडर्मेटा है कि प्लेटीहेलमिंथीज, मोलस्का, सिलेंट्रेटा। आप जानते हैं सबसे बड़ा है आर्थ्रोपोडा, दूसरे नंबर पे है कौन, मोलस्का। मेरे दोस्त कौन सा है, मोलस्का। और तीसरे नंबर पे है प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका सही उत्तर है डी, मोलस्का। अगला दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 32 नंबर, यहां 31 से स्टार्ट किया है हमने, ठीक है, 100 तक अभी स्टार्ट करेंगे इसको। देखिए कह रहा है कि मांसलोद्भिद पौधों में रंध्र खुले रहते हैं, जो मांसलोद्भिद होते हैं पौधे उसमें रंध्र कब खुले रहते हैं ऐसा कह रहा है कि मांसलोद्भिद पौधों में रंध्र कब खुलते हैं। कह रहा है कि दिन के समय, कि रात्रि के समय, कि दोपहर के समय, कि प्रातः काल के समय। तो इसका रात, इसका जो आंसर है वो है कब खुलते हैं, रात के समय, अर्थात इसका बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 33, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है मांसलोद पौधे, तो इसका देख लीजिए इंग्लिश क्या है। कह रहा है स्टोमेटा इन सकुलेंट प्लांट ओपन ड्यूरिंग, किस टाइम में, नाइट टाइम में खुलते हैं, बी इसका सही उत्तर है। तो देखिए ये तीसरा नंबर क्या कह रहा है भाई, तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तीन नंबर का। तो तीन नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है तंत्रिका रज्जु पाया जाता है, ठीक है, तंत्रिका रज्जु किसमें पाया जाता है। अब ये तंत्रिका रज्जु क्या है देख लीजिए, तंत्रिका रज्जु क्या है, नर्व कॉर्ड किसमें पाया जाता है, नर्व कॉर्ड फाउंड इन, कह रहा है कि एडल्ट हर्डमानियम है कि टेडपोल लार्वा ऑफ हर्डमानियम की, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर होगा टेडपोल लार्वा ऑफ हर्डमानिया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, टेडपोल लार्वा ऑफ हर्डमानिया, इसका बी सही उत्तर है। कौन सा राइट आंसर है, बी इसका सही उत्तर है, टेडपोल लार्वा ऑफ हर्डमानिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 देखिए, प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है, यहां ध्यान दीजिए भाई क्या कह रहा है इस प्रश्न में, ठीक है, थोड़ा सा साइज इसकी कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। तो देखिए 34 नंबर में क्या कह रहा है इसको ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यहां पर कि प्रोटोकार्डेट्स होते हैं, प्रोटोकार्डेट्स कैसे होते हैं ऐसा कह रहा है। शायद आपको लाइटनिंग कुछ ज़्यादा लग रही है, ठीक है, कि लाइटनिंग से आपको दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा इसकी साइज हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो अब दिखेगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा कह रहा है कि प्रोटोकार्डेट्स होते हैं, क्या होते हैं, कह रहा है कार्डेटा एवं वर्टिब्रेटा दोनों होते हैं, कि केवल कार्डेट होते हैं, केवल वर्टिब्रेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसमें आप देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, कार्डेटा और वर्टिब्रेटा दोनों, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, 35 नंबर में देखिए कह रहा है कि प्रतिक्रमण कायांतरण, मतलब रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ऐसा कह रहा है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसमें पाया जाता है ऐसा कह रहा है। देख लीजिए 35 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अगर आपको थोड़ी दिक्कत है तो इंग्लिश भी देख लीजिए, यह लिखा है कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस आकर इन, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसमें पाई जाती है, कह रहा है बेलोनोग्लासस, एम्फियाक्सस, साइक्लोस्टोम, उसके ट्यूनिकेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ट्यूनिकेट्स, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ट्यूनिकेट्स में पाया जाता है, डी इसका सही उत्तर है। अक्सर अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, कह रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड नेवर गोज टू द हार्ट इन, यानी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है किसमें नहीं जाता है ऐसा कह रहा है इसका। देखिए ये हिंदी वर्जन क्या कह रहा है, हिंदी वर्जन में यहां इसको भी देख लीजिए, हिंदी वर्जन इसका। अब यहां कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में ऑक्सीकृत रुधिर कभी भी हृदय में प्रवेश नहीं करता है, निम्नलिखित में से किस जंतु में ऑक्सीकृत रुधिर कभी भी हृदय में प्रवेश नहीं करता है ऐसा यह प्रश्न कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या कह रहा है, कि मछलियों में, कि सरीसृपों में, कि पक्षियों में, कि स्तनधारियों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना कुछ दमदार क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मछलियों में, ठीक है, क्या, मछलियों में। अगला क्वेश्चन 37 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, 37 नंबर का प्रश्न दोस्तों इसको जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है मेंढकों के टर्राने की आवाज क्या दर्शाती, जो मेंढक करते हैं ना टर टर करते हैं, यहां निकल आता है
फूलता है, समझ रहे हैं। तो कह रहा है जो टटराते हैं तो ये किसकी आवाज दर्शाती है, कह रहा कि समूह के दूसरे सदस्यों को चेतावनी देते हैं शत्रु पर हमला करने के लिए, कि विपरीत लिंग को आकर्षित करना, कि शत्रु से भयभीत होना। आप जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है, विपरीत लिंग को आकर्षित करना, सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, विपरीत लिंग को बुलाते हैं जब इसमें जनन के समय आता है, मेल्टिंग का जब समय आता है तब इसमें टटराते हैं, जैसे गाय भैंसों में भी देखा ना हां करते हैं उस तरीके से इसमें भी होता है, कि इसका मतलब इशारा करते हैं कि जनन का इनके समय हो गया है। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38 नंबर का क्वेश्चन, इसकी तरफ भी पढ़ लेते हैं कि 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 38 नंबर में यहां पर बात कर रहा है कि वर्ग सरीसृप के सदस्य होते हैं, जो सरीसृप रेप्टाइल्स कह रहा है इसके सदस्य कैसे होते हैं, यहां पर भी देख लीजिए थोड़ा इस समतापी विषमतापी का यहां लफड़ा है, तो इसका इंग्लिश देखिए क्या है, इंग्लिश इसका कह रहा है मेंबर ऑफ क्लास रेप्टेलिया, मेंबर ऑफ क्लास रेप्टेलिया आर कैसे है, कह रहा है पोकाइलोथर्मिक एंड एमनियोटिक की होमो होमियोथर्मिक एंड एमनियोटिक, पोकाइलोथर्मिक एंड एमनियोटिक की होमोथर्मिक एंड एनामनियोटिक, ठीक है एन एमनियोटिक, तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई, इसका राइट आंसर है ए नंबर, पोकाइलोथर्मिक एंड एमनियोटिक होते हैं, कैसे होते हैं पोकाइलोथर्मिक एंड एमनियोटिक, ठीक है इसका राइट आंसर है ए नंबर। ठीक है, और आपके हिसाब से क्या दूसरा कुछ बन रहा है क्या, तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन फेरिटीमा द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम, क्लाइटेलम का कार्य क्या है, कह रहा है कि केचुआ में क्लाइटेलम का कार्य क्या है, कह रहा है कपुलेशन है कि कोकून फॉर्मेशन है कि नन ऑफ दीज है कि बरोविंग है, तो इसका राइट आंसर क्या है कोकून फॉर्मेशन, कोकून फॉर्मेशन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कह रहा है यहां बिना किसी अपवाद के सभी पक्षी होते हैं, बिना किसी अपवाद के कह रहा है कि सभी पक्षी कैसे होते हैं, ऐसा कह रहा है बिना किसी अपवाद के सभी पक्षी होते हैं, कह रहा है सर्वाहारी एवं लंबी चोंच युक्त होते हैं, पंख युक्त एवं उड़नशील होते हैं, द्विपदधारी पैतृक देखभाल एवं घोंसला निर्माणक होते हैं, कुछ तो घोंसला नहीं बनाते हैं, कह रहा है कवच युक्त पीतक अंडधारी होते हैं, जी बिल्कुल ये अंडे देते हैं और इसका बिल्कुल अंडा जो कैल्शियम कार्बोनेट एक बाहर से कवच भी बना होता है, इसके अंदर अंडे का योक भाग भी होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया डी। अगला क्या कह रहा है देखिए 41 नंबर कह रहा है कि सही जोड़े को चुनिए, सही जोड़े को आप चुनिए, ऐसा कह रहा है। अब कह रहा है कि जो रैटिटी है, क्या है रैटिटी, कह रहा है कि रैटिटी उड़ ना सकने वाला पक्षी है, सही जोड़े को चुनना है इसमें, कह रहा है एमू सबसे छोटी चिड़िया है, हमिंग बर्ड है, कह रहा है कि पेगविन सबसे बड़ी चिड़िया नहीं शुतुरमुर्ग है, समझ रहे हैं, कह रहा है उपरोक्त में से एक को नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या है ए रैटिटी ना उड़ सकने वाले पक्षी है, मतलब रैटिटी के अंतर्गत जो पक्षी है वो उड़ते उड़ते नहीं है। ठीक है, केवल नौटंकी करते हैं। अगला देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42 नंबर के क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो देखिए फटाफट के अंदाज में ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके दोहराने इनके रिपीट करने की संभावना सबसे ज्यादा है मेरे भाई, समझ रहे हैं, और ऐसे ही हम आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे बिल्कुल, जो हमारी आज की जो क्लास है चल रही है डेली 9:30 बजे चलते हैं, लेकिन देखता है कि कितने लोग हम अपने लोग देखेंगे कि कितने लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकते हैं। ठीक है, कह रहा है यहां पर कि काकरोच का वाह्य कंकाल किस पदार्थ से निर्मित होता है, काकरोच का वाह्य कंकाल किस पदार्थ से निर्मित होता है, कह रहा है क्यूटिकल से कि काइटिन से, कार्टिलेज की कैल्शियम कार्बोनेट, तो जो काकरोच होता है उसका वाह्य कंकाल किससे निर्मित होता है, ऐसा कह रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या है काइटिन से, किससे काइटिन से निर्मित होता है। अगला देखिए कह रहा नाभिक के बाहर डीएनए पाया जाता है, कि यानी कह रहा नाभिक के बाहर डीएनए पाया जाता है, कह रहा किसमें, गाल्जी काय में कि राइबोसोम में कि लाइसोसोम में कि माइटोकांडिया में, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर बिल्कुल इसका राइट आंसर है माइटोकांडिया। ठीक है, किसमें माइटोकांडिया, अगर नहीं समझ में आया तो इसका इंग्लिश वर्जन भी थोड़ा सा देख लीजिए 43 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए कह रहा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए आकर्षण, तो क्या माइटोकांडिया। अगला देखिए, अगला कह रहा है 44 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है कि बाई प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में कह रहा है क्या होता है, आरएनए सिंथेसाइज्ड आरएनए का निर्माण होता है इन राइबोसोम, राइबोसोम में नहीं, कह रहा है कि आरएनए सिंथेसाइज्ड ऑन डीएनए, देखिए डीएनए से आरएनए बनता है आप समझ रहे हैं, अगर अमीनो एसिड ज्वाइन टू फॉर्म पॉलीमर नहीं, कह रहा है टू डॉटर सेल स्ट्रैंड डीएनए फलाना ढिमका नहीं, इसका राइट आंसर क्या है दो, इसका टू इज द राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम 45 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 की, तो 45 क्या कह रहा है फटाफट के अंदाज
में बिल्कुल देखेंगे भी हम लोग, ठीक है। तो यहां 45 नंबर में क्या कह रहा है मेरे भाई, इसको देखिए, कह रहा है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कोश का विभाजन के दौरान क्रोमोसोम बिकम्स अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर, जो क्रोमोसोम्स होते हैं किससे जुड़ जाते हैं, स्पिंडल फाइबर से, बाय किसके द्वारा, कह रहा है टीलोमियर की सहायता से, क्रोमोमियर की काइनेटोकोर अथवा सेंट्रो मियर की क्रोमोनीमा। तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर जो है वो इसका राइट आंसर होगा काइनेटोकोर्स, ठीक है, एट सेंट्रोमियर, इसका राइट आंसर है सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46 डी नोवो म्यूटेशन इज, क्या है डी नोवो म्यूटेशन, आप लोग इसको कमेंट करके बताते रहिए, समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, दिस क्वेश्चन इज नॉट क्लियर बाई मी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एज ऑफ जियांट मोलस्क इज कॉल्ड, यानी कह रहा है कि जियांट मोलस्क का एज क्या कहलाता है, विशाल काय, देख लीजिए हिंदी भी देख लीजिए इसका, कह रहा है विशाल काय मोलस्क का काल कहलाता है, विशाल काय मोलस्क का काल क्या कहलाता है ऐसा कह रहा है, ठीक है, कह रहा है सिलूरियन काल, आर्डोविशियन काल, कैम्ब्रियन काल की डिमोनियन काल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैम्ब्रियन काल इज द राइट आंसर। अब अगला देखिए कह रहा है 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48 नंबर का क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है इसको भी देखिए, फटाफट देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में धमनी के संकुचन एवं फैलाव फैल गया, इतना फैला दिया है कि और आगे दिख ही नहीं रहा, देखिए हाँ फैलाव के समय, कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में धमनी के संकुचन एवं फैलाव के समय रुधिर का दबाव कितना होता है, कितना होता है रुधिर का दबाव, इसका राइट आंसर क्या होगा 120 mmHg एंड 80 mmHg, समझ रहे हैं 120/80 mmHg होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर का देखिए, 49 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी ध्यान दीजिए, 49 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां ध्यान दीजिए 49 नंबर में कह रहा है विटामिन के निम्नलिखित में से किस कार्य को करता है, विटामिन के, जानते हैं कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, चोट लग जाने पर लगातार ब्लड क्या होता रहता है बहता रहता है, समझ रहे हैं। तो यहां कह रहा है कि विटामिन जो के है, थोड़ा सा फोकस ज्यादा है तो हम थोड़ा सा फोकस, लाइट इसकी अगर ज्यादा है तो लाइटिया हम कर देते हैं कम, क्या कर देते हैं कम, समझ रहे हैं, अब थोड़ा सा सही है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कार्बोहाइड्रेट का चयापचय उपचय, समझ रहे हैं, कैल्शियम फास्फोरस के उपचापचय में सामंजस्य, कर श्वसन रुधिर का थक्का जमना, तो विटामिन के मुख्य काम क्या होता है, रुधिर का थक्का जमाता है, इसका डी इसका सही उत्तर है। अगला देखिए कह रहा है कि सेरिबेलम, नॉट सेरिब्रम, सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है, सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है, देखना होता है, सुनना कि याद करना कि संतुलन बनाना होता है, सेरिबेलम का मुख्य काम क्या है ऐसा कह रहा है, तो इसका मुख्य काम क्या है, संतुलन बनाना, क्या काम होता है, संतुलन बनाना होता है, बैलेंसिंग। अगला कह रहा है मेढक में विदलन होता है, क्लीवेज इन फ्रॉग, कैसा होता है मेढक में विदलन, अभी यह क्वेश्चन हाल ही में आया था, इसके साथ साथ अभी एक सेंटेंस और बढ़ा दिया था, तो मेढक में विदलन कैसा होता है, कह रहा होलोब्लास्टिक होता है कि नीरोब्लास्टिक होता है, सुपरफिशियल होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, होलोब्लास्टिक होता है, कैसा होता है, होलोब्लास्टिक और अनइक्वल होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है इसको भी देख लिया जाए, ठीक है। कह रहा है 52 में कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन परत की क्षति से क्या हो सकता है, स्ट्रेटोस्फीयर पे आप जानते हो ओजोन परत होती है, कह रहा है उसकी क्षति अगर हो जाए तो क्या हो सकता है, कह रहा है त्वचा में कैंसर की संभावना में वृद्धि हो जाती है, ध्वनि प्रदूषण, कभी ध्वनि प्रदूषण चिल्लाएगा का, कह रहे जंगलों में आग, उपरोक्त सभी, तो हमारे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वह होना चाहिए त्वचा में कैंसर की संभावना में वृद्धि हो जाती है। अगला 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बोहाइड्रेट पाचन का आखिरी उत्पाद है, कार्बोहाइड्रेट पाचन का आखिरी उत्पाद क्या है, कह रहा है ग्लाइकोजन है कि ग्लिसराल है कि डाइसैकेराइड है कि मोनोसैकेराइड, इसका अंतिम उत्पाद होता है मोनोसैकेराइड, क्या होता है मोनोसैकेराइड होता है कार्बोहाइड्रेट का आखिरी उत्पाद, ठीक है। 54 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है ब्रायोफाइटा के सदस्यों में स्पोर मदर सेल, ब्रायोफाइटा के सदस्यों में स्पोर मदर सेल होती है, कैसी होती है स्पोर मदर सेल, कह रहा है हैप्लॉयड होती है कि डिप्लॉयड होती है, टेट्राप्लॉयड की ट्रिप्लॉयड, इसका राइट आंसर है कैसी होती है डिप्लॉयड होती है, 2n होती है, स्पोर मदर सेल कैसी होती है 2n होती है, अर्थात कैसी द्विगुणित होती है, ठीक है द्विगुणित होती है। अगर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़े तो 55 नंबर क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए, 55 नंबर देखिए, 55 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि बीज रहित फल उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बीज रहित फल उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ऐसा कह रहा है, देख लीजिए अंग्रेजी देख लीजिए,
कह रहा है द प्रोसेस बाय विच सीडलिंग फ्रूट आर प्रोड्यूस्ड इज नोन एज, क्या कहलाती है बीज रहित फल उत्पन्न करने की प्रक्रिया, ठीक है, तो क्या कहलाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या है, 55 का राइट आंसर। कह रहा है कि एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजिनेसिस, बहुभ्रूणता, तो इसका राइट आंसर क्या है, पार्थिनोकार्पी, ठीक है, क्या है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, समझ रहे हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं, क्रिया क्रिया क्या होती है, पार्थिनोकार्पी। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, कह रहा है पेरिस्पर्म में बीज विकसित होता है, पेरिस्पर्म में बीज किस में विकसित होता है, कह रहा है न्यूसिलस में, कि फ्यूनिकल्स में, एंडोकोस की भित्ति में, कि हाइलम में, तो क्या इसका राइट आंसर है, न्यूसिलस में, किस में, न्यूसिलस में इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 56 हो गया, 57 नंबर, ठीक है, कौन सा 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया है, 57 कह रहा है कि नर मेढक को मादा से किस आधार पर पहचाना जा सकता है, नर मेढक को मादा से किस प्रकार पहचाना जा सकता है, कह रहा है कि पीनियल सूखों के आधार पर, वोकल सैक और एम्प्लेक्सरी पैड के आधार पर, ठीक है, कह रहा है एनल स्टाइलों के आधार पर, क्लैप स्प्रो के आधार पर, इसका राइट आंसर है वोकल सैक और एम्प्लेक्सरी पैड के आधार पर, ठीक है। 58 नंबर कह रहा है कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, CO2 इज द राइट आंसर, बहुत ज्यादा बार आ रही है ये CO2, समझ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुत सारे स्टामिन समानता उपस्थित होते हैं, किसमें उपस्थित होते हैं, ढेर सारे स्टामिन, समझ रहे हैं, तो कह रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत ढेर सारे स्टामिन किसमें होते हैं, कह रहा है फैबेसी में, कि सेजल प्लेसी में, कि रूटेसी में, कि निम्फियसी में, तो किसमें होते हैं, देखिए इसमें भी लगभग 9 से 10 तक इसमें भी होते हैं, लगभग 10 इसमें भी, लगभग इसमें भी, लगभग 10, इसमें 6 से इनफाइनाइट होते हैं, 6 से क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, इसका राइट आंसर क्या है, निम्फियसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 60 फटाफट के नए अंदाज में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग जीवाणु में अनुपस्थित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग जीवाणु में अनुपस्थित होता है, ऐसा कह रहा है, कह रहा है कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, राइबोसोम, केंद्रक झिल्ली, कि डीएनए, इसका राइट आंसर क्या होगा, कि जीवाणु में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें नहीं होती, इसलिए उसको न्यूक्लियॉइड कहते हैं, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर कह रहा है जीवाणुओं के आकार को ध्यान में रखते हुए गलत जोड़े ढूंढिए, जीवाणुओं को ध्यान में रखिए और गलत जोड़े को आपको क्या करना है, ढूंढना है इसमें गलत कौन है, ऐसा कह रहा है, कह रहा है विब्रियो कॉलेरी का आकार जो है कॉमक शेप्ड होता है, जी बिल्कुल होता है, कह रहा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस स्पाइरल होता है, नहीं बैसिलस होता है, कैसा होता है, रॉड शेप्ड होता है, कह स्टाइल स्टाइफाइलोकोकस कोकाई, जी बिल्कुल गोलाकार होते हैं ये, कला क्रास्टिडियम टिटेनी बैसिलाई, ये भी बैसिलाई होते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, इसका राइट आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर, बी ये मैच नहीं कर रहा है, गलत जोड़ा है, ढूंढ लिया मैंने, ढूंढ लिया, आप लोग भी ढूंढ लिए। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो देखिए फटाफट के अंदाज में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु से फैलने वाली बीमारी नहीं है, कह रहा है कौन सी इसमें से विषाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी नहीं है, कह रहा है तंबाकू में जंगली आग, आलू में पत्ती का घुमाव, गाजर में पीला रोग, कि बंद गोभी में काली मुद्रिका धब्बा रोग, ठीक है, देखिए हम आपको बता दें, वैसे आप इसको देखेंगे पाएंगे तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन शायद रांग है, रांग इसलिए है कि यहाँ विषाणु फैलने वाली बीमारी नहीं है, नहीं नहीं होना चाहिए, कहना चाहिए कौन सी फैलने वाली विषाणु से फैलने वाली बीमारी है, समझ रहे हैं, क्योंकि ये देखेंगे तो बैक्टीरियल जा रहा है, ये भी बैक्टीरियल जा रहा है, ये फंगस जा रहा है, फंगस बैक्टीरियल और ये किसके द्वारा है, ये वायरस के द्वारा है, समझ रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया है, कोई बात नहीं, आगे देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा विषाणु का मुख्य लक्षण नहीं है, इसमें से विषाणु का मुख्य लक्षण कौन सा नहीं है, और ये तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का, कह रहा है विषाणु में वृद्धि, गुणन एवं परिवर्तन केवल निर्जीव परपोषी कोशिका में ही होता है, कह विषाणु में क्रिस्टलीकरण हो सकता है, हो सकता है, विषाणु पौधे जंतुओं एवं जीवाणुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, हाँ करते हैं, कह रहे विषाणु परपोषी कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल द्वारा क्या नौटंकी करते हैं, देख लीजिए क्या करते हैं, ऐसा कह रहा है क्या करते हैं भाई, विषाणु परपोषी कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल द्वारा संक्रमण पैदा करते हैं, जी बिल्कुल ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 64 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल व्यावसायिक रूप से बैगनी रंग उत्पन्न करता है, शैवाल कह रहा है कौन सा जो है बैगनी रंग उत्पन्न करता है, शैवाल नहीं बल्कि यहाँ क्या होना चाहिए, लाइकेन होना चाहिए, सब लाइकेन एक प्रजाति दिख रही है, समझ रहे हैं, ऐसा कह रहा है लाइकेन की प्रजाति दिख रही है, ठीक है, और ऐसे हिसाब से इसको ढूंढेंगे तो कहीं मिलेगा भी नहीं, ठीक है,
पर्पल टाइप का कौन उत्पन्न करता है, तो हमारे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, रोसेला टिंटोरिया होना चाहिए, समझ रहे हैं। और आपके हिसाब से क्या है, अगर है तो आप भी बता दीजिए इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर का क्या कह रहा है, 65 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सवाल नहीं बल्कि ये लाइकेन है, मैं थोड़ा सा इंग्लिश भी आपको दिखा दूं। विच आर द फॉलोइंग लाइकेन गिव्स पर्पल डाई फॉर कमर्शियल पर्पस, ठीक है। तो रोसेला टिंटोरिया, क्योंकि इसकी जो स्पीसीज हैं वो ब्लू होने के साथ साथ कैसे पर्पल भी देखती हैं, ठीक है। तो आप देखिए 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 65 नंबर का क्वेश्चन उसको भी देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल एंथोसिराज के थैलस में एवं साइकस की जड़ों में रहते हुए सहजीवता प्रदर्शित करता है। एंथोसिराज के थैलस में भी होता है और साइकस के जड़ों में, साइकस के कोलेराइड रूट में भी, और सहजीवता प्रदर्शित करता है। कह रहा है पॉलीसिफोनिया है नहीं, सार्गैसम है नहीं, उपरोक्त में सभी नहीं, नास्टाक जी बिल्कुल लेना बिना और नास्टाक होते हैं, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर का क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए, कह रहा है उस पादप हार्मोन का नाम बताइए जो अनुवांशिक बौने पौधे को गांठों के बीच से लंबा करता है। गांठों के बीच से मतलब ये इंटरनोड से कौन सा लंबा करता है, समझ रहे, कौन सा हार्मोन है, ये है इंटरनोड, ये है इंटरनोड, ये है इंटरनोड, समझ रहे, कौन सा लंबा करता है, समझ रहे हैं। कह रहा जिबरेलिन है कि ऑक्सिन है कि कोई IAA, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर है ए, ठीक है, कौन, जिबरेलिन, जिबरेलिन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 67 नंबर का क्वेश्चन उसको भी देख लीजिए, 67 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में अंधेरी अभिक्रिया, अंधेरी, अंधेर तक कर दिया भाई, डार्क रिएक्शन, कौन सा डार्क रिएक्शन, मैंने बताया था आपको कि डीएस, ठीक है, और एक होता है लाइट रिएक्शन LG, ठीक है, ये ध्यान रखिए कि LG टीवी वीवी और DS दया शंकर, समझ रहे हैं। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है और लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है। तो यहाँ कौन पूछ रहा है डार्क रिएक्शन, तो कहाँ होगा, स्ट्रोमा में, ठीक है, DS, तो स्ट्रोमा कहाँ है, ये स्ट्रोमा, ये कहाँ होगा, स्ट्रोमा में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी। अगला देखिए 68 नंबर कह रहा है वह हार्मोन जो पौधों में फूलों के खिलने को उत्प्रेरित करता है, फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन है, ऐसा कह रहा है, इसमें फूलों को कौन उत्प्रेरित करता है, कह रहा कि वर्नेलिन होता है, फ्लोरिजन ऑक्सिन की CAMP, ठीक है, जिसका राइट आंसर है फ्लोरिजन, कौन सा है, फ्लोरिजन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 69 कह रहा है निम्नलिखित में से पौधों को कौन सा पानी प्राप्त होता है, पौधों को कौन पानी प्राप्त होता है, ऐसा आप क्रिसेंट रिसेंट नहीं है, समझ रहे हैं, लुसेंट, अब यहां सीधे कह रहा है वायु में उपस्थिति जल, जो वायु में उपस्थित जल होता है, कह रहा है गुरुत्वाकर्षण जल, रासायनिक बंधक पानी को नहीं होता है, कह रहा है केशका पानी, जी बिल्कुल केशका पानी इज द राइट आंसर, डी इसका सही उत्तर, केशका जो वाटर होता है वही पौधों को प्राप्त होता है। 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन को भी देख लिया जाए, देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रबलित प्रक्रिया है, कौन सी प्रबलित प्रक्रिया है, ऐसा कह रहा है, इसका मतलब क्या है, अंग्रेजी थोड़ा सा देख लीजिए, कौन सी प्रबलित प्रक्रिया है, इसका मतलब क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कह रहा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है इसमें से, ऐसा पूछ रहा है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसमें से कौन है, कह रहा है टेम्परेचर है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी ये भी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भाई 71 नंबर देखिए, 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक तेज विद्युत अवघट, विद्युत अवघट क्या है, यानी जिसमें विद्युत प्रवाहित करने पर वह धनायन और ऋणायन में क्या हो जाता है, वह टूट जाता है धनायन और ऋणायन में, ठीक है, कह रहा है एक तेज विद्युत अवघट को तनुकृत करने पर समान विद्युत चालन में वृद्धि किस कारण से होती है, वृद्धि किस कारण से होती है, ऐसा कह रहा है कि मतलब उसमें जो विद्युत चालन होता है और तेजी से होने लगता है किसके कारण, कह रहा है कि आयनों की संख्या तथा गति बढ़ने के कारण, आयनों की संख्या बढ़ने के कारण, आयनों की गति बढ़ने के कारण, सामान्य तनुता में 100% आयनीकरण होने के कारण, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर है डी, ठीक है, क्या सामान्य तनुता में 100% आयनीकरण होने के कारण। अब आप सोचेंगे बायोलॉजी कहां से आ गया, सॉरी फिजिक्स कहां से आ गया, तो आ गया ये पेपर कौन सा, भी मैं लास्ट में इसका खुलासा भी करूंगा, समझ रहे हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन क्या है इसको भी देख लीजिए, कह रहा है साल्ट ब्रिज बनाने के लिए सांद्रित KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का साल्ट ब्रिज बनाने के लिए, तो कह रहा है कि K+ की गति NO3 से अधिक हो जाती है, NO3 की गति K+ से अधिक होती है, K+ और NO3
NO3 की गति समानता समान होती है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या है, सी, दोनों की गति क्या होती है, समान होती है, तो 72 नंबर का सी हो गया। अगला देखिए 73, अगार अगार किससे प्राप्त होता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगार अगार किससे प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है ग्रैसिलेरिया और जिलेडियम, ग्रैसिलेरिया और जिलेडियम, तो क्लोरेला ग्रैसिलेरिया ओडोगोनियम सार्गेसम, तो क्या है, ग्रैसिलेरिया नहीं लेकिन जिलेडियम है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी, कौन सा, बी इसका राइट आंसर। 74 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 74 नंबर देखिए उसको भी देख लिया जाए, 74 नंबर में बिल्कुल सोचते हैं कि कितनी जल्दी आपको ये क्वेश्चन करा दिए जाए, टाइम बिल्कुल आपका स्पेंड ना हो, ठीक है। कह रहा है उस हार्मोन का नाम बताइए जो पौधों में एपिकल प्रभुत्व के लिए जिम्मेदार होता है, और मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से प्रश्न डेली लेकर के आऊंगा, दो लेक्चर, एक दोपहर में होने वाला है और एक जो आपकी इस समय जो क्लास चलती है डेली, ये तो क्लास आपकी चलेगी ही, और दमदार प्रश्नों को इस समय ले आएंगे और दोपहर में दूसरे पैटर्न पर ले आएंगे जो आज दोपहर में हमने पैटर्न लेकर आया हुआ था। तो देखिए कह रहा है उस हार्मोन का नाम बताइए जो पौधों में एपिकल प्रभुत्व के लिए जिम्मेदार होता है, तो एपिकल प्रभुत्व का है, एपिकल डोमिनेंस, देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा अंग्रेजी देख लीजिए इसकी, एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। अरे ससुर वाह हो कैसे कर रहा है, देखिए क्या कह रहा है यहां पे, कर नेम ऑफ द हार्मोन व्हिच इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन सा है, तो कह रहा है कि जिबेरेलिन है, कि ऑक्सिन है, कि LH है, कि ऑक्सीटोसिन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑक्सिन, क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर होगा ऑक्सिन, अर्थात बी इज द राइट आंसर, 74 का इसका बी इसका सही उत्तर है। 75 नंबर में देखिए कह रहा है पाइरूवेट के एक अणु को ऑक्सीकृत करने के लिए, पाइरूवेट के एक अणु को ऑक्सीकृत करने के लिए ऑक्सीजन के कितने अणु की आवश्यकता होती है, ऐसा कह रहा है ऑक्सीजन कितने अणु की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट एक दो तीन चार, इसका राइट आंसर क्या होगा, दो, कितना हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर क्या है, दो इसका सही उत्तर है। अगला देखिए 76 में पादप हार्मोन IAA का पूरा नाम क्या है, IAA इंडोल एस्टिक एसिड, इंडोल एस्टिक एसिड, इम्यून दे रहा भारती नहीं, इंडोल एस्टिक अम्ल, ठीक है, इंडोल एस्टिक एसिड इसका सही उत्तर है, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए, 77 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्रैब्स चक्र की प्रक्रिया होती है, क्रैब्स चक्र की प्रक्रिया कहां होती है, कह रहा है ग्रैना में, क्रिस्टी में, माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स में, क्राइबोसोम में, तो क्रैब्स चक्र कहां होती है, माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स में होती है मेरे भाई, कहां होती है, माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स में। 78 नंबर कह रहा है कि इपिनास्टी क्रिया किस पादप हार्मोन की सहायता से होती है, इपिनास्टी प्रक्रिया किस पादप हार्मोन की सहायता से होती है, ऐसा कह रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कह रहा है इपिनास्टी किसकी क्रिया की सहायता से होता है, इथाइलिन, जिबेरेलिन, उपरोक्त सभी ऑक्सिन, तो इसका राइट आंसर है ऑक्सिन की सहायता से इपिनास्टी की क्रिया, एपिनास्टी क्रिया होती है, समझ रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या हो गया मेरे भाई, सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए 79 क्वेश्चन, 79 नंबर का क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया है, 79 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है, जीवित जीवाश्म, ठीक है, लिविंग फॉसिल कौन है इसमें, तो इफेड्रा, सिड्रस देवदारा, मैंगीफेरा इंडिका, जिंगो बाइलोबा, इसका राइट आंसर क्या है, जिंगो बाइलोबा इज द राइट आंसर, जिंगो बाइलोबा। कह रहा है साइकस रिवोलोटा मूलतः किस रूप में उगाए जाते हैं, जो साइकस रिवोलोटा है सजावटी पौधा ऑर्नामेंटल होता है, कह रहा है सजावटी पौधों के रूप में इमारती लकड़ी, तेलहन, औषधि, इसका राइट आंसर है सजावटी पौधों के रूप में, साइकस रिवोलोटा मुख्यतः किसके रूप में उगाए जाते हैं, सजावटी पौधों के रूप में ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक कार्बनिक विलेय कि रसारोहण का कार्य करता है, किसका रसारोहण करता है, कार्बनिक विलेय का रसारोहण कौन करता है, ऐसा कह रहा है। देखिए एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोयम, जाइलम और फ्लोयम आप जानते हैं, जैसे जल जैसे जाइलम, ठीक है, ये जैसे जड़, ठीक है, जैसे जड़, जैसे क्या, जड़, तो जैसे जड़, जैसे जल, जैसे जाइलम, जाइलम का काम होता है जड़ों से जल को पूरे भाग तक पहुंचाना, और फ्लोयम का काम होता है खाद्य पदार्थों को पूरे भाग तक पहुंचाना, खाद्य पदार्थ और लवणों को, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर कह रहा है कि रसारोहण का कार्य करता है कौन सा, कार्बनिक विलेय की, कह रहा है फ्लोयम करता है कि जाइलम, उपरोक्त कोई नहीं, कॉर्टेक्स, तो जाइलम जल करता है तो फ्लोयम ये है, कौन सा है, फ्लोयम, इसका राइट आंसर है कार्बनिक विलेय का। अगला 82 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 82 नंबर में देखिए 82 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए, करा सी ए एम कैम चक्र कहां पर पूरा होता है, देखिए कैम चक्र,
करेक्ट, कैम चक्र कहां पर पूरा होता है, 82 नंबर का क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, तो देखिए और बताइए कहां पूरा होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। गैनांग पोटोमीटर कह रहा है कि गैनांग पोटोमीटर द्वारा कौन सी शारीरिक क्रिया ज्ञात होती है, गैनांग पोटोमीटर द्वारा कौन सी शारीरिक क्रिया ज्ञात होती है, कह रहा है हीमोग्लोबिन की दर, प्रोटोप्लाज्म का आवागमन, ऑस्मोटिक सांद्रण की रसारोहण दर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, गैनांग पोटोमीटर द्वारा कौन सी शारीरिक क्रिया ज्ञात होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है डी, रसारोहण दर ज्ञात होती है, क्या होती है, रसारोहण दर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो होती है हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है, किसकी, हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। अगला देखिए कह रहा है ग्लाइकोलाइटिक बदलाव के दौरान एक अणु ग्लूकोज से दो अणु पाइरूविक अम्ल बनाने के लिए कितने एटीपी का उत्पादन होता है, हमको नहीं पता, आप बताओ इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। अब ऐसे ही प्रश्न देख लीजिए, यही तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, समझ रहे हैं, जो मैं दे रहा हूं आप ढूंढते रहो इसको भाई, मेहनत करो ढूंढो, मेहनत करो, कह रहा है ऐसे ही मेहनत होगी मेरे भाई। कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी है, ठीक है, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी है, कह रहा है साइजोंट है कि ट्रोफोजॉइट, मीरोजॉइट, स्पोरोजॉइट, इसका राइट आंसर है स्पोरोजॉइट इसका सही उत्तर है। अगला कह रहे हैं निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब गलत कौन जोड़ा है, इसमें से गलत जोड़ा ढूंढना है, इसमें से ऐसा कह रहा है, इसमें से गलत जोड़ा कौन सा है, कह रहा है कि एंटमीबा हिस्टोलिट का एक वंशी मतलब मोनोजेनेटिक, एक वंशी उंशी नहीं समझ रहा, इसकी अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी कहां हो, अंग्रेजी आ जा भाई, ये अंग्रेजी आ जा, देखिए कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली पेयर्ड, कौन करेक्टली पेयर्ड नहीं, कह रहा है एंटमीबा हिस्टोलिटका ये मोनोजेनेटिक है, तो बात सही है, मोनोजेनेटिक है, कह रहा है प्लाज्मोडियम मोनोजेनेटिक नहीं, ये डाइजेनेटिक है, समझ रहे हैं, कह रहा है कि लिस्मानिया डाइजेनेटिक यहाँ है, कह रहा है कि ट्रिपाइनोसोमा डाइजेनेटिक यहू है, तो इसका राइट आंसर क्या है, प्लाज्मोडियम, इसका राइट आंसर है प्लाज्मोडियम मोनोजेनेटिक नहीं बल्कि कैसा है, डाइजेनेटिक है, कौन, प्लाज्मोडियम इसका राइट आंसर है। अगला देखिए 88 नंबर का कह रहा है होलोफाइट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन किसमें पाया जाता है, होलोफाइट प्रकार का न्यूट्रिशन किसमें पाया जाता है, कह रहा है यूग्लिना में पाया जाता है, पैरामीशियम में, कि नन ऑफ डीज की बोथ ए एंड बी, तो होलोफाइट प्रकार का किसमें होता है, यूग्लिना में पाया जाता है, किसमें, यूग्लिना में, जंतुओं की तरह भी अपना दिखाता है पोषण, पादपों की तरह करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल भी होता है। अगला 89 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 89 नंबर का क्वेश्चन इसको भी देख लीजिए, 89 कह रहा है यहां पर ए चैम्बर कॉमन टू ऑल टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेज इज कॉल्ड, सभी प्रकार के जो स्पंज होते हैं, कह रहा है स्पंज में कैनाल सिस्टम कौन सा ऐसा है जो सभी में पाया जाता है, कॉमन होता है, कह रहा है पैरागैस्ट्रिक कैविटी होती है कि इन करेंट कैनाल होता है, कि रेडियल कैनाल, एक्स करेंट कैनाल, तो कौन सा इसमें कैनाल सिस्टम होता है जो सभी में कॉमन होता है, समझ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है पैरागैस्ट्रिक कैविटी, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए कह रहा है निमेटोसिस्ट इन सिलेंट्रेट आर डेवलप्ड फ्रॉम, जो निमेटो सिस्ट होता है किसमें, सिलेंट्रेटा में, वो किससे उत्पन्न होता है, कह रहा है इक्टोडर्मल सेल्स, इंडोडर्मल सेल, इंटरस्टीशियल सेल, एपिथेलियल मस्कुलर सेल, तो किससे उत्पन्न होता है, अब यहां पूछ लिया जैसे ऑफेंस और डिफेंस का काम होता है इसका, निमेटोसिस्ट का, तो किससे उत्पन्न होता है, ये होता है इंटरस्टीशियल सेल से, किससे, इंटरस्टीशियल सेल से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर का क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है फाइंड द करेक्ट मैच बिटवीन लार्वा एंड एडल्ट, लार्वा और एडल्ट के बीच में करेक्ट मैच बताइए कौन सही है, कह रहा है इफायरा लार्वा अरेलिया में होता है, तो मैंने बताया था ए ई और ओ पी, मतलब अगर आ गया ए से ऑरेलिया ई का मतलब इफायरा, और ओ से ओबिलिया, पी से प्लैनुला, तो ये गलत है, ठीक है, ओबिलियम प्लैनुला होता है, कह रहा है प्लैनुला ऑरेलिया में, तो ऑरेलियम कौन होता है, इफायरा, यह गलत है, कह रहा है कि प्लैनुला हाइड्रा, यह गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए इसका सही उत्तर है, इफायरा किसमें होता है, ऑरेलिया में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 92 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 92 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फैसियोला हिपैटिका में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कह रहा है कि मनुष्य की फैसियोला हिपैटिका कहां पाया जाता है, किसमें, कह रहा है मनुष्य की पित्त नलिका में, भेड़ के यकृत में, उभयचरों के उदर में, भेड़ के हृदय में, कहां पाया जाता है फैसियोला हिपैटिका, पाया जाता है भेड़ के यकृत में, बीस का सही उत्तर है। अगला कह रहा है बीमारी फैलाने वाले कीटाणु और बीमारी का सही जोड़ा बताइए, यानी जो बीमारी और उसको फैलाने वाला कीटाणु का एक सही जोड़ा कौन है, इसमें से कौन सा करेक्ट है, ऐसा कह रहा है केनाफिलीज मैकुलेट्स मलेरिया नहीं, कह रहा है कि लेस्मानिया डोनोवानिया निंद्रा नो,
करैक, बाउचेरिया बैंक्राप्टी फाइलेरिया, हाँ हाथी पाव बाउचेरिया बैंक्राप्टी के द्वारा ही होता है, सी इसका राइट आंसर है। ग्लोसिनिया पैल्पिलिस की बातें नहीं है, ठीक है, लिस्मानिया डोनोवानी काला आजार होता है। अब यहाँ कह रहा है अगला 94 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख लिया जाए, 94 नंबर क्वेश्चन, चलो आ जाओ भाई 94 नंबर कह रहा है यहाँ पर 94 कि केचुए के शरीर में टिफ्लोसोल का कार्य क्या है, टिफ्लोसोल का क्या कार्य है, फंक्शन ऑफ टिफ्लोसोल, ठीक है। कह रहा है पाचक विकरों का श्रावण वसा का श्वेत मिश्रण बनाना, रुधिर के बहाव को संतुलित रखना, पाचक भोज के लिए स्थाना वृद्धि करना, ठीक है। क्या काम होता है जो हम लोगों में, किसका काम होता है जो हम लोगों में, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, समझ रहे हैं, काम होता है, तो यहां पर टिफ्लोसोल का काम होता है पाचक भोज के लिए स्थाना वृद्धि करना, ठीक है, एरिया ज्यादा ज्यादा क्षेत्रफल प्रदान करना, समझ रहे हैं। कर हाइड्रा की देह में स्थित गुहा क्या कहलाती है, कैविटी, जो हाइड्रा की देह गुहा में कैविटी पाई जाती है, बॉडी कैविटी ऑफ हाइड्रा क्या कहलाती है, कहता है हाइड्रोसील नहीं, सिलोम नहीं, सिलेंट्रान या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ठीक है, यही इसका सही उत्तर है, सिलेंट्रान या इसी कहते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, इसका राइट आंसर है सी। अगला 96 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 96 नंबर का क्वेश्चन इसको भी देख लीजिए, और आप लोग बिल्कुल बताइए भाई कि इस प्रकार के अगर हम लेकर के आए लेक्चर तो क्या मस्त है कि नहीं है, ठीक है, और ऐसे ही बिल्कुल आप डेली टेस्ट भी होगा, डेली लेक्चर भी चलेगा। कहता पार्थिनोजिन सामान्यतः निम्नलिखित में से किन जंतुओं में पाई जाती है, पार्थिनोजेनेसिस सामान्यतः किन जंतुओं में पाई जाती है, ऐसा कह रहा है कि एस्केरिस केचुआ, यकृतवर्म, चींटी, मधुमक्खी, बर, मेढक मछलियां तथा लोमड़ी, तारा मछली, जेली फिश तथा कटल फिश, तो किसमें होता है पार्थिनोजेनेसिस बताइए, इसका 96 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ये देखिए जो बर रहे ततैया भी कहलाती है, क्या कह रहा है ततैया, इसका राइट आंसर है बी, ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर है बी, ठीक है। अगला देखिए 97 नंबर कह रहा है संयुक्त आंख से प्रतिबिंब बनने के कार्यात्मक इकाई क्या है, संयुक्त आंख से प्रतिबिंब बनने की कार्यात्मक इकाई क्या है, करा ओमाइटीडिया है कि ओसली है कि रेटिन्यूली है, रेबडोम है, तो इसका राइट आंसर है ओमाइटीडिया, ओमाइटीडिया, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगला देखिए 98 नंबर का क्वेश्चन, चलो आ जाओ भाई 98 नंबर आ गया 98 नंबर में क्या कह रहा है कि मैल्पीगियन नलिकाएं किस जंतु में पाई जाती हैं तथा उनका क्या कार्य होता है, मैल्पीगियन नलिकाएं जानते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ठीक है, कह रहा किसमें जाती, तिलचट्टे में श्वसन के लिए, तिलचट्टे में उत्सर्जन के लिए, केचुए में, केचुए में तो होता ही नहीं है, समझ रहे हैं, ये कहां होता है, आर्थ्रोपोड्स का है, तिलचट्टा, तिलचट्टे में उत्सर्जन के लिए होता है, उत्सर्ग के लिए होता है, समझ रहे हैं। 98 नंबर का इसका राइट आंसर क्या है, बी, अगर नहीं समझ में आया तो अभी इसका इंग्लिश वर्जन दिखा रहे हैं। कह रहा है अगला कीट एवं उसके मुखांग का सही जोड़ा बनाइए, कीट और उसके मुखांग का सही जोड़ा बनाना है कि कौन सा इसका सही प्रकार है, उसका मुख किस प्रकार का होता है, ऐसा कह रहा है। कह रहा घरेलू मक्खी स्पॉन्जिन प्रकार का, तिलचट्टा साइफन प्रकार का, मच्छर रैस्पिंग तथा लैपिंग प्रकार का, तितली चुहाने एवं चूसने वाला, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, घरेलू मक्खी स्पॉन्जिन प्रकार का होता है, इसका माउथ पार्ट, ठीक है, किस प्रकार का होता है, स्पॉन्जिन प्रकार का। देखिए इसका अंग्रेजी देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, ये रहा इंग्लिश वर्जन। मैल्पीगियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट किसमें होता है, कॉकरोच में और एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये देख लीजिए करेक्ट, मैचिंग इंसेक्ट एंड देयर माउथ पार्ट, देख लीजिए हाउस फ्लाइज स्पॉन्जिन टाइप, कॉकरोच साइफोनिंग टाइप, मॉस्किटो, तो इसका राइट आंसर ए हो गया। 100 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव संघ आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, कौन सा संघ आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, ऐसा कह रहा है 100 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा आर्थ्रोपोडा, कह रहा तारा मछली है, सिल्वर मछली, उपरोक्त में से सभी की सुनहरी मछली, इसका ये तो इकानोडर्मेटा है ना, इसका राइट आंसर है सिल्वर मछली, सिल्वर मछली इज द राइट आंसर, इसका सही उत्तर क्या है, डी। तो दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में देखा है आपने किस तरीके से क्वेश्चन हम लेकर के आए, अब आपको बता दें कि यह कौन सा क्वेश्चन पेपर है, यह है एलटी ग्रेड का क्वेश्चन पेपर है जो 2018 में हुई थी परीक्षा एलटी ग्रेड की, तो इसमें भी धांसू धांसू क्वेश्चन थे, मस्त मस्त मजेदार प्रश्न थे आपने देखा, तो इनसे रिपीट होने की संभावना ज्यादा है, ठीक है, और ये प्रश्न आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ठीक है। तो जैसा हमारा ये चल रहा है पूरा लेक्चर उसी हिसाब किताब से चलेगा, वैसा ही चलेगा, लेकिन आप लोगों का देखता हूं क्या सपोर्ट होता है, फिर उसके अंदाज में मैं भी अंदाज अपना चेंज करता हूं, जैसे मैंने अपना बाल चेंज कर दिया, कई लोग कमेंट कर रहे हैं कई दिनों से सर बाल क्या हो गए, ठीक है, तो बाल इसलिए मैंने हटा दिया कि अब मेरा कोई बाल बांके नहीं कर सकता, समझ रहे हैं, ना कोई पानी इस पर टिक सकता है, समझ रहे हैं, ना कोई पानी इस पर टिक सकता है, ना कोई पेड़ इस पर उग सकता है, और तो छोड़ो मेरा कोई अब बाल बांका भी नहीं कर सकता है, समझ रहे हैं। चलिए तो दोस्तों आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर को लेकर, ओके, थैंक यू।